अब मैंने इसके अंदर 2 के 3 चम्मच मूंगी की दाल की भी डाल दी है। अब ये जो नमक और जीरा और अजवाइन ये भी डाल देंगे और ग्राइंडर को ग्राइंड कर लेंगे इसको सारी चीज़ों को। ये फ्रेंड हमारा बैटर हो गया तैयार। अब हम इसके अंदर हमने 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ये डाल के हमने थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट दे देना है। फिर इसके हम पकौड़े बनाएंगे, यानी भल्ले बनाएंगे। चलिए मिलते हैं 15 से 20 मिनट तक। ये फ्रेंड 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको फ्राई करते हैं। एक कढ़ाई में मैंने घी गरम करने रखा है। ये 2-4 ड्रॉप डाल के देखे हैं कि हमारा घी अच्छे से गरम हो गया है। तो ये हमारा घी अच्छे से गरम हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और अपने भल्लों का बैटर डालते हैं इसको। आपने दरमियानी साइज के आपने भल्ले बना लेने हैं। अब एक साइड पे ये हो जाएंगे तो खुद ये ऊपर तैर जाएंगे, तो फिर इसको हम का पलट लेंगे। अब ये तैरना शुरू हो गए। अब इनको हम एक एक करके सबको पलट लेंगे। इसको लो आंच पे हम इसको पकाएंगे। जैसे ये ब्राउन पे जाएंगे हम इसको निकालते जाएंगे और यहाँ रखते जाएंगे। ये फ्रेंड हमारे मज़ेदार से भले हो गए हैं रेडी। अब आप इसको क्या करते हैं, जब ठंडी हो जाए गर्म गर्म इसको आप पानी में ना भिगोइएगा। आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं 1-2 हफ्ते के लिए। आप ये सारे भले बना के रख दें, ठंडे शदीद ठंडे हो जाए उसको आप फ्रीज़ कर दें। और जब आपने यूज़ करने हो तो गर्म नीम गर्म पानी में ये कहते हैं लाल मिर्चें या अदरक लहसुन का पेस्ट होता है वो आप इसमें डाल के भिगो के उसको निचोड़ के उसको दही में डालें, या वो जो आप पसंद हो उसमें आप बैटर बना के ये दही बड़े डालें और इंजॉय करें। और यू लाइक माई वीडियो, अगर आपको मेरे बड़ों की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरे दही बड़े का बैटर बनाना भी सिखाऊंगी, दही को कैसे बनाते हैं उसका बैटर और उसमें इनकी डिश डलती है वो भी आपको बनाना सिखाऊंगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अपना हाफिज़।